हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश चित्तौड़ एंड आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 56 इन गेट 2020। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं गेट की स्ट्रेटजी के। आप कोचिंग स्टूडेंट हो या विदाउट कोचिंग हो, इट डजेंट मैटर। ये स्ट्रेटजी लगभग दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। सो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे आपको स्टडी मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटजी में वही होता है। सो हमें अब स्टडी मटेरियल के लिए जो मैंने फॉलो किया था, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दो बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। दीज टू आर मैंडेटरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आई हैव यूज्ड थ्योरी बुक्स ऑफ मेडिजी और उनके साथ वर्कबुक भी आती हैं, ठीक है। तो अगर आप जिनके पास थ्योरी बुक्स मेडिजी की मिल सकती हैं, पोस्टल मिल सकता है तो बेटर है, नहीं मिल सकता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनकी जगह पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिवीजन नोट्स या फिर किसी भी आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बट बुक को रेफ़र करना लेंथी होगा। जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने एक्सर्जिक का रिवीजन कोर्स मैंने ट्राई किया हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा है आपके शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशंस में लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपने निकाल रखे हैं। सो ये तो हो गई स्टडी मटेरियल की बात। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है? अब आपको स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले थ्योरी बुक या फिर जो भी आपने नोट्स या फिर जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं, अभी डिपेंड करता है कि पहले आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ही बिल्ड कीजिए। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक हैं, ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स डीप नॉलेज भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, और वीक भी नहीं काम चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने का तरीका एक सिंपल सा है कि आप गेट के क्वेश्चंस लगा के देखिए प्रीवियस ईयर के, अगर वो हो रहे हैं देन यू आर टेक्निकली साउंड, आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स फिर भी ठीक हैं, क्लियर हैं, अच्छे हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत अटक रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो या मेयरली 5% क्वेश्चन कर पा रहे हो, देन आपको सीरियसली आपको किसी भी बुक से या किसी भी वीडियो लेक्चर से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए, मतलब वीडियो लेक्चर्स या बुक से पढ़ना चाहिए या नहीं। अब हम उस सिनेरियो की बात करते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, आप लगभग 30-40% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप थ्योरी बुक से या फिर जो भी नोट्स हैं उनसे टॉपिक को पढ़िए। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के आप अगर आप थ्योरी बुक यूज़ कर रहे हैं मेडिजी की, तो उसके ब्रेन टीजर्स कीजिए, या कोई और आप अगर रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आप फिर उनके क्वेश्चन कीजिए और उसके क्वेश्चन करके, जैसे थ्योरी बुक अगर आपको पोस्टल मेडिजी का या थ्योरी बुक मिल जाए तो वो मैंने पर्सनली उसको फॉलो किया था तो मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपको कोई सबसे पहले आपको रिसोर्स ऐसा सिलेक्ट करना है जो लेंथी ना हो, ठीक है। मतलब अगर आप लेंथी रिसोर्स फॉलो करेंगे तो उससे अच्छा तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रिसोर्स ऐसा कोई चूज़ करना है जो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो मेडिजी का पोस्टल ज़्यादा लेंथी नहीं है, ऐसे ही एक्सर्जिक का क्विक रिवीजन कोर्स जो है वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो आप इनमें से टॉपिक को पढ़िए, फिर जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिया है या फिर आपके पास जो अगर मेडिजी की पोस्टल है तो उसमें क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपको पहले सोल्ड एग्जाम्पल्स करने हैं, कोई भी हो, कोई भी रिसोर्स है, उसमें से पहले सोल्ड एग्जाम्पल्स को देखना है, ठीक है, ढंग से उन्हें समझना है। आप करके देखिए ना करके देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी समझ में ऐसे ही आ पा रहा है, ठीक है, तो आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार कर लीजिए उनको, उन्हें कीजिए। फिर उसके जस्ट बाद आप करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद उस टॉपिक के फिर आप करेंगे ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में या फिर अगर आप मेडिजी की पोस्टल ले रहे हैं तो उसमें जो वर्कबुक है तब वो अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको अनसोल्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का रूटीन हो गया, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, देन आप अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे या तो उस क्वेश्चन बैंक के या फिर वर्कबुक कर रहे हैं आप मेडिजी की, तो वो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ईएस के क्वेश्चंस तक भी कर लेते हैं, आप अनसोल्ड नहीं भी करते,
वो भी सफिशियंट है। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैंने सोल्ड एग्जाम्पल सारे थ्योरी बुक के, ब्रेन टीजर्स और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए थे। कुछ टॉपिक्स के मैंने ईएस के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी क्वेश्चंस को करने में, जो कि आपको नहीं करना है। हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। अब एक दिन में कितने टॉपिक करने हैं, मतलब एक वीक में कितना कंप्लीट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको अपनी डेडलाइन रखनी है 15 नवंबर या फिर आप 1 नवंबर रख लीजिए। 1 नवंबर से पहले अक्टूबर एंड तक आपको सिलेबस सारा कवर करना है, ठीक है। आप लूज पॉइंट 15 तक का रख सकते हैं, मतलब आप 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं एक अलग वीडियो में, रिवीजन के लिए ही जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी है, अभी स्टार्टिंग में आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लोगे, अभी टेस्ट सीरीज़ 2 महीने बाद लेनी है, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे जैसे मैंने बताया। और हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी शॉर्ट नोट्स किसी और के फॉलो नहीं करने हैं, अपने खुद के बनाने हैं, ठीक है। और जितना शॉर्ट हो सके, और ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं, कभी आपकी समझ ना आए, आपकी समझ आना वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट्स बनाने हैं अपने लिए। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूं अगर, तो आपको अगर एक पैराग्राफ आपने थ्योरी का पढ़ा है तो आप उसको कैसे 2 सेंटेंस में लिख सकते हो इस तरह कि उन 2 सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पूरा पैराग्राफ का जो समरी है वो समझ में आ जाए। दैट्स इट। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, आपको फॉर्मूले नहीं छोड़ने हैं। जिसका क्वेश्चन ईएस में, गेट में या फिर टेस्ट सीरीज में मिल जाता है आपको, वो फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ना, उस फॉर्मूले को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो आप जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे थ्योरी, तो अब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस करोगे, उन क्वेश्चंस में जो जो आपको नया कॉन्सेप्ट मिला उसको टिक करके, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करोगे, आप 1 घंटा या आधा घंटा निकालोगे, जो आपने पूरा पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करोगे। ओनली थ्योरी, क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए नहीं, क्वेश्चन सिर्फ वो रिवाइज करने हैं एक बार जो आप, जिसमें आप ज़्यादा अटके थे या जो आपको ज़्यादा बढ़िया लगा था क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उनको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। ये हुई कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अब आप 2 महीने बाद टेस्ट सीरीज इसलिए लोगे क्योंकि आप 2 महीने तक जो सब्जेक्ट पढ़ लोगे फिर उनका टेस्ट सीरीज़ देनी स्टार्ट करोगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि अभी जब आप 2 महीने में जो सब्जेक्ट, 2 महीने नहीं, अभी जैसे अप्रैल मई, आप जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, खरीद लीजिए अभी भी, लेकिन अटैम्प्ट तब करनी है। फिर आप जून में स्टार्ट कर देंगे सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट देना, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, साथ साथ जो ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ये इसके साथ साथ सब्जेक्ट चलते रहेंगे। फिर आप जो आपने अभी सब्जेक्ट किए हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ आप दोगे जून में, जिससे आप, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आपने एक सब्जेक्ट अभी पढ़ा और अब डायरेक्ट आप नवंबर में रिवीजन करेंगे तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लगभग 1.5 महीने का गैप मैंने दिया है, तो आप जून में टेस्ट सीरीज़ लेंगे, पहले टॉपिक वाइज करेंगे स्टार्टिंग से, फिर सब्जेक्ट वाइज करेंगे स्टार्टिंग से, फिर मल्टी सब्जेक्ट, और तब तक नवंबर आ ही जाएगा, ठीक है। मल्टी सब्जेक्ट्स आपको नवंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए, सारा सिलेबस ख़त्म करना और टॉपिक वाइज टेस्ट एटलीस्ट ख़त्म कर लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज हद से हद आपको सब्जेक्ट वाइज कर लेने हैं, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से ज़्यादा नहीं करना है नवंबर से पहले। 15 नवंबर डेडलाइन है आपकी, तब तक आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेने हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। सो ये थी स्ट्रेटेजी, आप इसको फॉलो कीजिए, इस स्ट्रेटेजी ने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया है और आई होप कि आपको भी बेनिफिट देगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नवंबर से पहले ज़रूर आ जाएगी वो वीडियो, और टेस्ट सीरीज़ की वीडियो भी आ जाएगी। बाकी आपको फिर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे अभी वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और अपनी